ये स्लिप दिखाकर आपको अपनी बीवी की बॉडी मिल जाएगी, ठीक है? बॉडी? ऐसे क्यों कह रहे हैं आप लोग? मतलब ये है कि कल रात को आपकी बीवी की डेथ हो गई। डेथ हो गई? कब? अरे कल रात भर तो मैं यहीं बैठा था अपने बच्चे के साथ, मुझे बताया क्यों नहीं आपने? अरे कम से कम इसने अपनी माँ को आखिरी बार देख तो लिया होता। सुबह होते आप लोगों ने मुझे पैसे लेने के लिए भेज दिया, वापस आया तो बिल की लाइन में लगा दिया, बताया तक नहीं कि वो मर गई है। देखिए मेरा काम है पैसों का हिसाब करना, पेशेंट का नहीं। और वैसे भी हम ये इन्फॉर्मेशन बिल पेमेंट होने के बाद ही देते हैं, क्योंकि फिर तो आप जैसे लोग बिना बिल पे किए चले जाएंगे ना। अरे सर, वो रात को ही मर गई थी और मुझे बताया तक नहीं कि वो मर गई है। पिछले एक हफ्ते से जितने पैसे आपने मांगे मैंने आपको दिए हैं, ये लीजिए और लीजिए, सारे पैसे ले लीजिए। मेरी बच्ची को उसकी माँ से मिला सकते हैं आप एक बार? लुक मिस्टर, ये एक हॉस्पिटल है, प्लीज डोंट क्रिएट अ न्यूसेंस। शट अप! इधर के यही रूल्स हैं, अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम है तो बाजू में सरकारी अस्पताल है, वहां पे जाइए। 12,000 रुपीज इसमें मैं शॉपिंग कर सकती थी, क्या कुछ नहीं कर सकती थी। एक काम करो तुम, चलो मैं आता हूँ। अभी तुम किधर जा रहे हो? मैं आता हूँ, मुझे काम है, मैडम को वर्षा ले जाओ। अरे अम्मा साइन करिए तभी डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा, यहाँ करिए। ठीक है, देख ये लो, ये शमशान में दे देना, चल रहे। सब कुछ तो चूहे में उड़ा दिया, अब इन दोनों की परवरिश कैसे करूंगी? हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, सारे काम भगवान खुद नहीं करता, कुछ काम हम जैसे शैतानों के लिए छोड़ देता है। डॉक्टर साहब, इनको बचा लीजिए, ये तीसरी मंजिल से गिर गए, उसके बाद कुछ बोल नहीं, कैसे भी करके इनको बचा लीजिए। नर्स, इनको इमरजेंसी वार्ड में ले जाओ और आप पहले एडमिशन फीस भरवा जाइए। आप पैसे की फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ भर दूंगा, आप कैसे भी करके इनको। डोंट वरी, रिलैक्स रिलैक्स। इंश्योरेंस करवाया था अपने पति का? आओ कराते हैं। ये मर चुका है, इज ऑलरेडी डेड डॉक्टर। लेकिन उनको थोड़ा ये मालूम, जब तक उनकी जेब में माल है तब तक इसमें जान है। ये लीजिए बिल। पेशेंट का नाम क्या? बलराम नागपाल। स्टार्ट ट्रीटमेंट, चालू करो। हालत बहुत खराब है, ये दवाइयाँ और इंजेक्शन हैं, इन्हें अभी जाकर फार्मेसी से जल्दी लेकर आओ। क्विक क्विक क्विक, फार्मेसी का राइट में। नर्स, गेट देयर ऑक्सीजन सिलेंडर राइट नाउ। 7,300। जरा बिल पेशेंट के नाम पे बना, बलराम नागपाल। ठीक है। इतना धीरे क्यों आ रहे हो? पता नहीं है कि इमरजेंसी है? मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई की हालत इतनी बुरी है, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब द डॉक्टर, ओके? आप वहाँ पर जाके बैठो। ये ले एक और लॉट, जा वापस केमिस्ट को दे। ए, ये ले, ठीक से लिखना, कमीशन के टाइम पे ना तू बहुत किट किट करता है। अरे निकला मैं, कभी झूठ नहीं बोलता। एक्सक्यूज मी, प्लीज कम जी। देखो भाई, इनका केस बिगड़ता जा रहा है, हेमरेज है, आई थिंक न्यूरोसर्जन को बुलाना पड़ेगा। आप भगवान को बुला लीजिए, बस उनको ठीक कर दीजिए। आर यू श्योर? श्योर। उनकी फीस 2,00,000 रुपए है। कोई बात नहीं, मैं अरेंज कर दूंगा। ओके, नर्स डॉक्टर वर्मा को फोन लगाओ। ठीक है, चलो। बिल पेशेंट बलराम नागपाल के नाम पे बना। बड़े डॉक्टर आ गए हैं, हम उन्हें बचा लेंगे। कैसे लोग हैं ये, मुर्दे को भी नहीं छोड़ते। अब आगे देखना क्या नाटक करते हैं लोग। यार तुम लोग भी फंसवाओगे किसी दिन, ये बॉडी तो डिकम्पोज होना शुरू हो गई है, ज्यादा देर ड्रामा नहीं चल सकता। अरे सर, जब बकरा खुद हलाल होने आया है तो बिरयानी बनेगी भी और हम सब में बटेगी भी।
इससे पहले देर हो जाए ड्रामा शुरू कर दो। अब ये नाटक खत्म होने वाला है। आपको वीडियो चलाना आता है फोन का? हाँ। अभी डॉक्टर साहब आएंगे, सिर्फ उन्हीं का वीडियो लेना। आएंगे मुंह लटका के, बोलेंगे आई एम सॉरी द पेशेंट इज नो मोर। काश आप लोगों ने मुझे पहले बोला होता। एक्सक्यूज मी जी, डॉक्टर साहब आई एम सॉरी पेशेंट इज नो मोर। काश आप लोगों ने मुझे पहले बुला लिया होता। डॉक्टर साहब एक बार कोशिश करिए प्लीज। अरे समझने की कोशिश करो, ही इज डेड। सर आप स्पेशलिस्ट हैं, आप एक बार कोशिश करके देखिए। आप कैसी बात कर रहे हैं, ये कैसे इलाज करेंगे, वो मर चुका है। क्यों, मरो का इलाज नहीं होता क्या? ऑब्वियसली, कोई मरे हुए का इलाज कैसे कर सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? ये पाटिल हॉस्पिटल है, मरे हुओं का इलाज हो सकता है। पागल हो गए क्या? मरे हुए आदमी का कौन इलाज कर सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? मैं पागल हूँ? ये देखिए पढ़िए, इसे क्या लिखा है इसमें, पढ़िए। डॉक्टर देशमुख सर्टिफाइड डेथ एट 11:25 AM, पेशेंट्स नेम रामनाथपुर। जब पेशेंट मर गया है तो आप लोग अंदर बैठ के क्या अपने 6 घंटे बैंड बजा रहे थे? ये पेशेंट का डेथ सर्टिफिकेट नहीं, ये इस हॉस्पिटल का डेथ सर्टिफिकेट है, समझे? तुम लोग पेशेंट को टोपी पहना सकते हो ना, तो मैं क्या फोटो कॉपी नहीं निकाल सकता? कितनी चाहिए बोलो। क्या हुआ, सांसें रुक गई? स्पेशलिस्ट बुलाऊं? ये आपका बिल है, आप और 3 लाख रुपए काउंटर पे जमा करके बॉडी ले जाइए। यह बॉडी अभी कहीं नहीं जाएगी जब तक आप लोग 50 लाख का चेक शांति नागपाल के नाम का नहीं बना दोगे। What? चलिए आप लोगों का नाटक खत्म हो गया, बुलाएं अपने बॉस को। Come on, बॉस को बुलाएं। Come on, out, out, out. Good shot. खरीद लो उसे, इतने पैसे मांग रहा है। सर वो थोड़ा सनकी है सर, कोई नहीं जानता उसे, बार बार यही कह रहा है कि अपने MD से मिलाओ, पैसे की बात उन्हीं से करूंगा। हेलो डैड, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। तुम्हारी छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं दुबई से आऊं? बड़े कब हो गए तुम? तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम खुद ही सॉल्व करो। बुलाओ उसे। तो इन सारे एविडेंसेस के तुम्हें 50 लाख चाहिए। 50 लाख चेक शांति नागपाल के नाम, वाइफ ऑफ लेट बलराम नागपाल, 4,60,475 रुपए जो मैंने खर्च किया कैश। हड्डियां तोड़ने में वो मजा नहीं जो तेरी अकड़ तोड़ने में है। सीधी तरह पैसा दे वरना चाबी वाला ताला नहीं सील वाला ताला लगाऊंगा। सर ये 50 लाख का चेक और बाकी का कैश। ये लीजिए आपके पति के इंश्योरेंस का चेक। जानता हूं कि इन पैसों से जिंदगी खरीदी नहीं जा सकती, लेकिन तकलीफें आसान जरूर हो जाती हैं थोड़ी बहुत। रख लीजिए। शुक्रिया। जो मेरे पति जीते जी नहीं कर पाए वो उन्होंने मरने के बाद कर दिया।
आप लोग डॉक्टर हैं, लोगों की सेवा करना आपका धर्म है, ना कि उन लोगों को लूटना। Shame on you all. I'm sorry. I just hate sorries.